क्या कहा खुद अभिषेक कपूर ने अपनी फिल्म केदारनाथ के बारे में। केदारनाथ जो 7 दिसंबर को रिलीज हो रही है, ये फिल्म अभिषेक के लिए बहुत खास है और बहुत मुश्किल भी रही। केदारनाथ में आई मुश्किलों के बाद भी अभिषेक ने ये फिल्म कंप्लीट की और इसे टाइमली रिलीज कर पा रहे हैं। हालांकि पहले ये फिल्म 2017 में रिलीज होने वाली थी, लेकिन अभिषेक कपूर और फिल्म के मेकर यानी क्रियाज एंटरटेनमेंट के बीच हो गया था एक विवाद। विवाद की वजह से शूटिंग रुक गई थी, फिर सुशांत सिंह राजपूत फिल्म छोड़कर चले गए और उसके बाद सारा अली खान ने अपनी डेट सिम्बा को दे दी, लेकिन फिर लौट आए अभिषेक कपूर और उनका कहना है कि वो हार नहीं मानते। 2006 में उनकी पहली फिल्म आर्यन आई थी जो बुरी तरह पिटी थी, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी, काम करते रहे। फाइनली कायपोचे आई और उसके बाद कई ऐसी फिल्में आई जिसकी वजह से अभिषेक कपूर को उनका रिकॉग्निशन मिला है। उन्होंने फितूर बनाई थी और उसके बाद जब वो एक बार वैष्णो देवी की यात्रा पे गए, तब उन्हें लगा कि यहाँ पर सब लोग आम लोग होते हैं, यहाँ से बाहर निकलते ही कोई खास हो जाता है, कोई आम रह जाता है। तो ऐसे किसी पिलग्रिमेज पर वो फिल्म बनाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने केदारनाथ को चुना और 2013 में आई बाढ़ का प्रेमाइस लेकर उन्होंने ये फिल्म बनाई केदारनाथ, जो अब 7 दिसंबर को आ रही है बड़े पर्दे पर।